एडवर्ब नहीं, दैट इज नॉट एडवर्ब. देखिए कोई भी वर्ड अगर, मतलब मान लीजिए आपका वर्ड अगर मोस्ट है, ठीक है, अगर आपका वर्ड एडवर्ब है, ठीक है, तो उसके आगे आपने ए एल ऑल लगा दिया तो वो ऑलमोस्ट हो गया, तो वो ए एल जो है दैट इज योर प्रिकर्सर. बच्चे पांच लिख रहे हैं यहाँ पर, किसी ने ज्वाइन भी नहीं किया ऑनलाइन अभी तक, नहीं तो चार तो ज्वाइन कर ही रहे थे, तो चार जो हो यहीं आ जाओ, लैब में ही बैठ जाओ, वैसे भी 40 मिनट क्लास होती है, खत्म हो जाएगी, तुम लोग यहीं आके बैठ जाओ, उन लोग को बुला लेना, ठीक है, साइन कर दे रही हूँ, पर आप लोग आ जाएंगे ऊपर, नहीं आएंगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगा फिर आपका. तो जो वर्ड आपके पहले लगते हैं, जो वर्ड के पहले लग गया उसको प्रिकर्सर बोलेंगे, और जो वर्ड के बाद लग गया उसको सक्सेसर बोलेंगे, यानी कि आफ्टर द वर्ड, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिया गया है कि कुछ वर्ड को आप लोग मॉडिफिकेशन करके क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब में बदल सकते हैं. दैट मीन समटाइम्स दे आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड समटाइम्स दे आर यूज्ड एज एन एडवर्ब. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोट इन दिस इज एडवर्ब और एडजेक्टिव में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही आपके मॉडिफिकेशन के लिए यूज होते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो मॉडिफाई हो रहा है, कुछ ना कुछ मॉडिफाई हो रहा है सेंटेंस में, दोनों ही चीजें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर रही हैं, या तो आपका नाउन मॉडिफाई हो रहा है, या तो आपका वर्ब मॉडिफाई हो रहा है, कुछ भी मॉडिफाई हो रहा है. तो अगर आपके सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन मॉडिफाई होता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ एडजेक्टिव ही यूज होगा. इफ देयर इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस दैट मींस इट इज यू कैन से स्पेसिफिकली यूज टू मॉडिफाई योर नाउन एंड प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस. अदर देन दीज वर्ड, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अगर आपके सेंटेंस में कुछ भी है, दैट मीन्स अगर वर्ब है, एडजेक्टिव है, अनदर एडवर्ब है, क्लॉज है, या फिर पूरा ही सेंटेंस को आपको मॉडिफाई अगर करना है, तो आप उसका मॉडिफिकेशन करने के लिए एडवर्ब ही यूज कर सकते हैं, ठीक है. यानी कि एडवर्ब आप यूज करेंगे किसके लिए, फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ योर वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, क्लॉजेस और फ्रेजेस, और समटाइम्स द होल सेंटेंस. जैसे कि मैंने आपके स्टार्टिंग में जब एडवर्ब पढ़ाया था तो बताया था कि देयर आर सम वर्ड्स इफ दे आर प्लेस in the starting of your sentence or before your sentence, it can modify the whole meaning of the sentence. So वहाँ पर जो modification होगा वो adverb के द्वारा होगा. Adjective क्या करता है, adjective आपके sentence का सिर्फ noun और pronoun को ही modify करेगा. अगर कोई noun present है, अगर कोई pronoun present है, तो उसका modification adjective ही करेगा. उसके अलावा अगर कुछ भी प्रेजेंट है, वर्ब प्रेजेंट है, एडजेक्टिव प्रेजेंट है, एडवर्ब प्रेजेंट है, क्लॉजेस प्रेजेंट है, उन सब का मॉडिफिकेशन एडवर्ब करेगा. ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवर्ब जो ए बी सी डी वाले सेंटेंसेस हैं, ही रैन फास्ट, ही इज अ फास्ट रनर, दैट मीन्स इन बोथ द सेंटेंस फास्ट इज सम मॉडिफाइंग समथिंग. अगर वो समथिंग जो है वो नाउन और प्रोनाउन है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा. अगर जिसका मॉडिफिकेशन हो रहा है वो नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, दैट मीन्स वो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है. अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, या पूरा सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी मॉडिफाई हो रहा है अदर देन योर नाउन प्रोनाउन, देन इट इज एन एडवर्ब, ठीक है. तो अगर आपको कोई सेम सेंटेंस सेम वर्ड दो सेंटेंसेस में यूज हो रहा है, एंड आपको पता लगाना है कि उसमें से एडजेक्टिव कहाँ यूज हो रहा है या फिर एडवर्ब कहाँ यूज हो रहा है, तो लगाओगे यू हैव टू नो विच वर्ड इज इट मॉडिफाइंग, सेंटेंस में किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसी से आपको पता चलेगा कि वो जो वर्ड है वो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में. सो फॉर एग्जाम्पल, Shalini walked slow out of the classroom. ये sentence incorrect है. Shalini walked slowly out of the classroom. ये correct है. How can you say that slow is incorrect
एंड स्लोली इज द करेक्ट फॉर्मेट. स्लो जो है वो इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस में. स्लोली लगा दिया तो करेक्ट हो गया सेंटेंस. कैसे दोनों के मीनिंग में ऐसा क्या अंतर हो गया या दोनों का जो जो भी यहाँ पर यूज हो रहा है उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो एक सेंटेंस गलत हो गया और एक सेंटेंस सही हो गया. जस्ट थिंक अबाउट इट. व्हाट इज द डिफरेंस इफ आई एम यूजिंग स्लो एंड स्लोली. दोनों में ऐसा क्या अंतर है कि आपका जो वर्ड है वो पूरा का पूरा मॉडिफाई, मतलब सॉरी मीनिंग जो है आपके सेंटेंस का वो पूरा का पूरा मॉडिफाई हो रहा है. कैसे मॉडिफाई हो रहा है? ठीक है, सोच के देखिए कि व्हाई स्लो इज इनकरेक्ट इन द सेंटेंस एंड व्हाई स्लोली इज करेक्ट. मैम स्लोली सेंटेंस में अच्छा भी लग रहा है, स्लो तो अच्छी भी लग रहा है. स्लो मतलब सेंटेंस में बिल्कुल परफेक्ट बैठ ही नहीं रहा है. स्लो स्लो इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि स्लो एक एडजेक्टिव है. द वर्ड स्लो इज एन एडजेक्टिव और यहाँ पर आपको मॉडिफाई किस चीज को करना है? किस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं आप? स्लो किसके बारे में बता रहा है आपको? स्लो आपको किसके बारे में बता रहा है? वॉक के बारे में. एग्जैक्टली. तो वॉक जो है आपका, वॉक आपका क्या है? वर्क आपका क्या है? वर्ब है सेंटेंस का? यस मैम. तो वर्ब को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आपको एडवर्ब लगाना होगा. तो एडवर्ब लगाएंगे तो यहाँ पर स्लो तो एडवर्ब नहीं है. तो क्या किया जाए? इसको मॉडिफाई किया जाए. मॉडिफाई करने के बाद स्लोली आ रहा है. स्लोली आपका एडवर्ब है. नाउ डज इट फिट द सेंटेंस? बिकॉज इट modifies the verb and what modifies the verb is your adverb in the sentence. इसीलिए slowly सही है और slow गलत है. अब second में आप देखिए, second example भी similar है तो आप उसको अपने से देख लीजिए. A B C D वाले जो word हैं उनको आप देखिए, sorry sentences हैं उनको आप देखिए. He ran fast. ये आपका correct है. इसमें आपका fast जो है वो adverb है. And he is a fast runner. इसमें आपका फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है. कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? कैसे क्लियरिफाई कर सकते हो? फास्ट तो एडवर्ब सेंटेंस में लगा है. एडवर्ब तो पहले से मॉडिफाई रहेगा. नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए मॉडिफिकेशन किस चीज का कर रहा है? फास्ट किसके बारे में बता रहा है? क्या फास्ट है सेंटेंस में? क्या फास्ट है वो क्या बता? रैन. ठीक है, तो रैन क्या होता है आपका सेंटेंस में? रैन क्या है आपका? वर्ब है. अब वर्ब का मॉडिफिकेशन कर रहा है यानी कि एडवर्ब होना चाहिए ये. तो यहाँ पर ये एडवर्ब है. अब फास्ट रनर, रनर को मॉडिफाई कर रहा है वहां पर. तो रनर आपका क्या है? वर्ब है. नहीं बच्चे, रनर वर्ब नहीं है. रनर कौन होता है? हु इज अ रनर? डेफिनेशन बताइए रनर का. समवन हु रन, जो रन करता है उसको रनर बोलेंगे. यस मैम. सही कि नहीं? तो जो रन करता है वो इंसान ही होगा. सम पर्टिकुलर नाउन होगा. तो नाउन है तो क्या मॉडिफाई करेगा उसको? अगर नाउन है तो क्या मॉडिफाई करेगा उसको? एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा उसे. अगर आपके सेंटेंस में मॉडिफाई होने वाला चीज नाउन है तो मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव रहेगा. हाँ, सिमिलरली आप बाकी तीन सेंटेंसेस में भी देख लीजिए. शी हैज ओनली टू बुक्स. यहाँ पर नंबर की बात की जा रही है तो एडवर्ब ऑफ नंबर आएगा, सिंपल एडवर्ब का पार्ट. शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. डॉटर इज अगेन नाउन. तो नाउन का मॉडिफाई हो रहा है नाउन आपका. यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है. ही केम, सॉरी कम बैक. कम आपका वर्ब है. वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है बैक. तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया.
ही एंटर्ड फ्रॉम द बैक डोर. कौन से वाले डोर से एंटर किया? बैक डोर से. तो डोर आपका है नाउन. एडजेक्टिव हो गया. तो ये चीज समझ में आ गई सबको? यस मैम. कोई डाउट इसमें? नो मैम. चलिए तब नेक्स्ट चीज क्या लिखी है यहाँ पर नीचे, कि सम वर्ड्स कैन बी मॉडिफाइड. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडजेक्टिव से वर्ड में वर्ब में चेंज करना है तो आपको उसमें या तो मॉडिफिकेशन करना होगा कुछ, यानी कुछ बदलाव लाने होंगे सब वर्ड्स में, तब आप उसको यूज कर सकते हैं एडवर्ब को एडजेक्टिव की तरह. तो अगर आप मोस्ट यूज कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है. अगर आप ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं तो वो एडवर्ब हो गया. यूज करो दोनों को सेंटेंसेस में, तब पता चल जाएगा. दोनों को आप सेंटेंसेस में यूज करके देखिए, मोस्ट का यूज करके देखिए, एक सेंटेंस बनाइए जहां पर आपका मोस्ट यूज हो रहा है. Make a sentence using the word most. Ma'am. Yes. He was our most famous president. Most famous president. ठीक है. Yes. अब यहाँ पर कैसे आपको पता चल रहा है कि most जो है वो adjective है. Most किसको modify कर रहा है यहाँ पर? नाउन को. नाउन जो नाउन सब नाउन हो गया आपको. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट. हाँ ठीक है. अब ऑलमोस्ट का यूज करके देखो, एक सेंटेंस बनाइए जहां पर ऑलमोस्ट यूज हो रहा है. ऑलमोस्ट का एक एग्जाम्पल था भी आपके सिंपल एडवर्ब के एक टाइप में, ऑलमोस्ट का यूज था एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी में. मैम, आई वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ कार. ओके, तो इसमें क्या चीज मॉडिफाई हो रही है? मैम इसमें वर्ब. क्या वर्ब मॉडिफाई हो रहा है बच्चे? नहीं, मॉडिफाई हो रहा है वर्ब तो मॉडिफाई हो ही रहा है. कौन सा वर्ब मॉडिफाई हो रहा है? क्या काम किया जा रहा है आपके सेंटेंस में ये बताओ. रन रन. हाँ रन ओवर. रन ओवर मतलब वो गाड़ी आपके चढ़ाने ही वाला था, ठीक है. तो वो चीज जो है जब वो मॉडिफाई हो रहा है तो आपका मतलब कुछ काम है. वो काम किस मतलब किस डिग्री तक वो काम किया गया है उसी चीज को वो मॉडिफाई कर रहा है, राइट. तो जब काम आपका मॉडिफाई हो रहा है यानी कि वर्ब आपका मॉडिफाई हो रहा है तो आपका एडवर्ब रहेगा, और जब आप किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तब वो आपका वर्ड एडजेक्टिव रहेगा. ओके. यस मैम. एनी डाउट इन दिस? नो मैम. चलिए तो इसमें अभी के लिए आई एम सेंडिंग दिस फाइल टुडे, ठीक है. ये फाइल मैं आपको भेज दे रही हूँ. इस फाइल को भेजने के बाद जो भी डाउट्स आपके अगर होंगे कोई तो वो मुझसे पूछ लेना. इसके साथ साथ आई एम सेंडिंग यू अनदर फाइल, ठीक है. उसमें क्या रहेगा, कहाँ पर आपको कौन सा एडवर्ब प्लेस करना है और कौन से एडवर्ब मोस्टली यूज होते हैं और उनके क्या रूल्स हैं यूज करने के, कहाँ पर लगता है, क्या कहाँ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं या नहीं, और कंपैरेटिव में यूज कर सकते हैं या नहीं. तो ये सारी चीजें एक पीडीएफ रही हूँ, ठीक है. ये पढ़िएगा, ठीक है. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा. अदरवाइज मैं ये टॉपिक आपका हो गया खत्म. अब इसके बाद आपका बच्चा है
कंजंक्शन इंटरजेक्शन एंड सम अदर माइनर पार्ट आर्टिकल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी छोटी छोटी जो चीजें रह गई हैं, ठीक है, आर्टिकल रह गया है आपका, ठीक है, और क्या रह गया है, कंजंक्शन रह गया है, इंटरजेक्शन रह गया है, दीज फोर फाइव थिंग्स आर लेफ्ट, जो कि बहुत माइनर चीजें हैं, ठीक है, ये भी आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, जैसे एडवर्ब खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से साइड बाय साइड आई विल स्टार्ट गिविंग यू क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रैक्टिस पेपर थे कैट मैट के, वो सारे मैं प्रैक्टिस पेपर आपसे करवाऊंगी इन दी क्लासरूम, एंड विद दैट ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू सम स्टडी मटेरियल फॉर अदर थिंग्स, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आप पढ़ के समझ सकते हो, उनके लिए भी मैं आपको स्टडी मटेरियल देती रहूंगी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, प्रपोजिशंस हो गए या फिर आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ के समझ सकते हो, तो इसकी भी मैं फाइलें आपको देती रहूंगी, ठीक है, और जो चीजें आपको याद करनी है, दैट मीन्स समथिंग दैट यू हैव टू यू कैन से आपको वो चीज पूरा एकदम अच्छे से ये करना होगा, रटना होगा, तभी आपको होगा वो चीज, क्या है आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूरी अच्छे से याद करनी होगी, तो ये भी फाइलें मैं आपको भेजती रहूंगी, एंड साइड बाय साइड हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन जो मैं शेयर कर रही हूँ आपको? यस मैम, लेट मी जस्ट ज़ूम इन ताकि आपका क्वेश्चन दिख जाए. ओके, क्वेश्चन इज आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, सो प्लीज इसके आगे क्या होगा, केयरफुली, नहीं, यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिए गए, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, क्वेश्चन इज दैट बॉक्स ए कंटेन्स अ वर्ब, ठीक है, बॉक्स ए जो है वो कोई काम है, वर्क है, उसको ये सारे वर्ड आपके वर्ब हैं, सेकेंड आपका एडवर्ब है, बॉक्स बी जो है उसमें आपका एडवर्ब है, तो दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर सिलेंडर ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है, वर्ब प्लस एन एडवर्ब, choose a verb plus an adverb to complete the sentence. ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक एडवर्ब चाहिए और एक एडवर्ब चाहिए जो साथ में मिला के इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा. So the first sentence is, I'm going to tell you something very important. So please, मैं बोलती हूँ या कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो सबसे पहले क्या बोलता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, आप क्या करिए, क्या करते हैं जब कोई टीचर आपको कोई इम्पोर्टेंट बात बताता है तो? क्या करते हैं आप जब कोई टीचर आपको सुनते हैं, ठीक है, तो वो काम हो रहा है आपको, दैट मींस द वर्ब शुड बी लिसनिंग, ठीक है, यस मैम, वो वर्ब हो गया आपका, अब इसमें एडवर्ब भी चूज करना है, एडवर्ब कैसे सुनेंगे आप, हाउ विल यू लिसन टू योर टीचर when they explain you something, कैसे सुनेंगे आप उसको, carefully, okay, can या फिर उसमें से कोई और ऐसा word है जो आप सोचते हैं कि use हो सकता है, क्या आपको लगता है कि listen, नहीं, तो listen carefully आपका यहाँ पर first fill in the blanks में use हो सकता है, ओके, चलिए ठीक है, दैट सीम्स करेक्ट टू मी टू. सेकेंड सेंटेंस है, एंड आई नीड योर हेल्प के आगे आप क्या लगा सकते हैं, एक वर्ब लगाना है, कोई एक काम लगाना है और कोई एक एडवर्ब लगाना है, यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स नहीं चूज करना है, बॉक्स दिया गया है उसी में से आपको चूज करना है कि क्या यहाँ पर लग सकता है, सोच के देखिए क्या लगेगा,
business. Sorry? क्या लगेगा बच्चे? I need your help. ऐसा मान लीजिए कि यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, ठीक है, आप ट्रैफिक जाम में अटके हुए हैं, ठीक है, और आपको बहुत एक जरूरी सामान मंगाना है, आप ना वापस जा सकते हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने एक फ्रेंड को फोन करते हैं, और फोन करके क्या बोलेंगे उसको, फोन करके क्या बोलेंगे उसको, हेल्प करने. हाँ, तो हेल्प करने के लिए वो कैसे हेल्प कर सकता है आपके, मान लीजिए आपका हेलमेट छूट गया और आप घर के जस्ट 10 मिनट की दूरी पर हैं, पर आप वापस नहीं मुड़ सकते क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा हुआ. किसको चोट लग गया मैम? किसी को लग गया चोट, मैं उसका हेल्प कर सकते हैं, बाइक से एक्सीडेंट हो गया मैम. नहीं नहीं वही चीज मैं बता रही हूँ, हेल्प तो करना ही है आपको. हाँ, कम क्विकली, दैट मींस आप मान लीजिए कि किसी को हेल्प करना है एक्सीडेंट में, या मान लीजिए कि आपका हेलमेट छूट गया है मैम, जैसे क्लास में उसके पास पेन नहीं है मैम, उसको पेन दे दिया मैंने. नहीं नहीं वो हेल्प तो अलग हो गई बच्चे, यहाँ पर देखिए सेंटेंस है ये, एंड आई नीड योर हेल्प, तो यहाँ पर दो बॉक्स गिवन है, ठीक है, आप शायद अभी ज्वाइन किए, दो बॉक्स गिवन है, ए नंबर में आपका वर्ब है यानी जो काम हो रहा है वो है, बी नंबर बॉक्स में आपका क्या गिवन है, एडवर्ब गिवन है यानी कि इसके साथ किस तरीके से आपको काम करना है वो एक वर्ड लगाया गया है, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो सेकेंड नंबर ब्लैंक है वहां पर हम भरने की कोशिश कर रहे हैं. तो आई नीड योर हेल्प, यहाँ पर क्या एक वर्ब और एक एडवर्ब आप लगा सकते हैं, सोचिए. कम और क्विकली. कम और क्विकली, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको मान लीजिए आपको हेलमेट मंगवाना है, ठीक है, जस्ट आगे में आप हेलमेट भूल गए हैं और घर के बिल्कुल हो जाएगा मैम, क्या हो सकता है, इमीडिएटली हो जाएगा मैम. कम इमीडिएटली, इमीडिएटली है नहीं ना बच्चे यहाँ पर ऑप्शन में, आपको यही ऑप्शन जो बॉक्स गिवन है ना, ए नंबर, ए और बी नंबर में जो बॉक्स में है वही में से चूज करना है, ठीक है. तो कम क्विकली हो गया आपका सेकेंड का ऑप्शन, ठीक है. नाउ थर्ड इज दे डैश एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑलवेज टायर्ड, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं ताकि सारे क्वेश्चन दिख जाए आपको, ठीक है, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दिख जाए. क्वेश्चन है दे डैश एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑलवेज टायर्ड. अच्छा, हाउ कम यू आर टायर्ड, कब आप थक जाते हैं? जब वर्क करते हैं. एग्जैक्टली, यू आर वर्किंग समथिंग, ठीक है, तो जब काम कर रहे हैं कैसे काम करेंगे कि आप थक जाएं, बैठे 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 काम करने से क्या थक जाएगा आदमी, नहीं थकेगा, तो कैसे काम करना है कि आप थक जाएं, जब हार्ड वर्क करेंगे तो. एग्जैक्टली, हार्ड वर्क करेंगे तब आदमी से. हाँ, तो आपका वर्ब हो गया क्या, आपका वर्ब हो गया वर्क और एडवर्ब हो गया हार्ड, वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑलवेज टायर्ड. ओके, एंड डू वन थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये बॉक्स का, क्योंकि क्वेश्चंस आगे जो है उसके लिए फिर वापस से स्क्रॉल करना पड़ेगा. ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं बॉक्स ए बी का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास रहे. ये ले लिया है मैम. लेना तो बता दें. ले लिया मैम. चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में. क्वेश्चन है आपका 4. आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, आई डिडंट डैश लास्ट नाइट. क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या काम हो सकता है और क्या सॉरी क्या काम हो सकता है और कैसे किया जा सकता है वो काम, ये बताना है आपको. There's a verb given and an adverb that you have to add to complete this sentence. मैम स्लीप हो जाएगा पहले तो. स्लीप हो जाएगा, ठीक है, और कैसे कर रहा है, ऑप्शंस जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो वहां पर एक बार और देख लीजिए.
एंड दिस इज हाँ ठीक है, स्लीप हो गया आपका काम. अब एडवर्ब लगाओ इसमें. एडवर्ब क्या होगा मैम? क्विकली? नहीं, क्विकली तो मतलब जल्दी जल्दी ना. तो जल्दी जल्दी सोते कैसे हैं बच्चे? मैम इजली. कैसे? नहीं मैम, वेल वेल. Yes, I didn't sleep well last night. That is why I am tired this morning. I didn't sleep well last night. ठीक है, चलिए next question है. You are much better tennis player than me. When we play, you always. यहाँ पर आपको एक verb लगाना है और एक adverb लगाना है. Win. Win, okay. Win is in the option. Yes, win is in the option. अब एक adverb बता दीजिए. Adverb क्या रहेगा उसके साथ? Easily, ma'am. Yes, easily can be the adverb. ठीक है. चलिए. So you are a much better tennis player than me. We play, you always win easily. ठीक है. अगर किसी को डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो वो पूछेगा. ठीक है, चलिए. तो सिक्स नंबर क्वेश्चन इज डैश बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन. डैश बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप क्या करते हैं? क्या ऐसा काम है जो आप क्वेश्चन करने से पहले करते हैं? थिंक मैम. ओके, थिंकिंग कैन बी. चलिए, थिंक है आपके ऑप्शन में. और यहाँ पर एक एडवर्ब भी चूज करना है. एडवर्ब भी चूज करिए. मैम ये वाला समझ में नहीं आया. यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ सेंटेंस में डैश बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि कोई क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ. थिंक क्विकली. नहीं, क्विकली नहीं होगा बच्चे इसके साथ. देखो, केयरफुली मतलब जल्दी जल्दी. हाँ, केयरफुली है. हाँ, केयरफुली है. यहाँ पर देखिए, दो बार केयरफुली लगाया गया है इसी चीज के लिए. So that you are able to use it again. So think carefully. मैम carefully ना होगा मैम. Carefully बोल रहे बच्चे. Think carefully before you answer the question. ठीक है? Yes ma'am. चलिए. Next question देख लेते हैं. There are only two left. Two questions left. I've met Al. Now, I don't know. अगर नो लगेगा तो उसके साथ कौन सा एडवर्ब लग सकता है? I met Alice a few times, but I don't know her very clearly. नहीं, clearly नहीं. क्लियरली तो उन चीजों के लिए लगता है which you can perform something. ठीक है, आप किसी चीज को परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि क्लियरली रहेगा अगर. ठीक है, क्लियरली किसके साथ लग सकता है? क्लियरली आपका एक्सप्लेन के साथ लग सकता है. Well. ठीक है, नो. हाँ, नो वेल. ठीक है, आई हैव मेट एलिस अ फ्यू टाइम्स बट आई डोंट नो हर वेरी वेल. ठीक है, आवर टीचर इजंट वेरी गुड, समटाइम्स ही डजंट डैश थिंग्स वेरी डैश.
अगेन यहाँ पर आपका जो है पहले ब्लैंक में आपका लगेगा वर्ब, सेकेंड ब्लैंक में आपका एडवर्ब लगेगा, एंड दीज आर दी ऑप्शन. Explain. Okay. Explain. लगेगा आपका फर्स्ट ब्लैंक. ओके, आवर टीचर इज इन वेरी गुड, समटाइम्स ही डजंट एक्सप्लेन थिंग्स वेरी क्लियरली. यस, क्लियरली कैन बी यूज. ठीक है, क्लियरली सही है इस ऑप्शन के लिए. ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास ये बताइए. कम यूज कर लिया हमने, कम नहीं यूज किया ना, कम क्विकली यूज कर लिया है. ठीक है मैम, सब यूज हो गया. नो, सब यूज हो गया. चलिए 1 to 8 क्वेश्चन के लिए ही था, तो सारे आपने यूज कर लिए. अब देखिए यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. Whatever your topic is के बारे में बात करी जा रही है, वो कभी कभी आपके वर्ब और एडवर्ब के बीच में आ जाता है. तो यहाँ पर क्या चीज ध्यान में रखनी है, द प्लेसमेंट ऑफ योर वर्ब एंड एडवर्ब. आपका एडवर्ब कहाँ लगेगा, ये चीज जो मैं अभी फाइल सेंड करूंगी उसमें आपको यही चीज समझाई जा रही है कि आपका जो एडवर्ब है कौन सा एडवर्ब आपके वर्ब के साथ लगेगा, कौन सा एडवर्ब आपके वर्ब के अलग लगेगा. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि आप किस वर्ड के साथ कहाँ पर लगाएंगे कोई एडवर्ब, ये नहीं आएगी. ठीक है, जैसे कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जो सिंपल एडवर्ब होता है उसका जो पहला नहीं मतलब एक टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, वो हमेशा क्या होता है वर्ब के बाद लगता है, यानी कि वर्ब जो है उसके बाद लग रहा है. यहाँ पर देखिए आपका जो सेंटेंस में यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, सो प्लीज इसके आगे क्या लगाए थे हम लोग, लिसन केयरफुली. ठीक है, लिसन केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरह से आप कोई काम कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, कैसे लिसन कर रहे हैं, केयरफुली. तो एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज कम आफ्टर द, यानी कि वर्ब के बाद ही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आता है. उसी तरह से यहाँ yes, पर और भी एग्जांपल दिए गए हैं कि वर्ब प्लस वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है या वर्ब और जो एडवर्ब है उसके बीच में प्रपोजिशन लगेगा या नहीं लगेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा. ठीक है, देयर आर लॉकिंग इन द प्लेसमेंट ऑफ योर वर्ब एंड एडवर्ब इन द सेंटेंस. तो कहाँ कौन सी चीज प्लेस हो रही है और क्यों प्लेस हो रही है वहां पर, वो चीज आपको पता होनी चाहिए. एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ लगेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ लगेगा. ठीक है, क्योंकि सिंपल एडवर्ब जो होता है, सिंपल एडवर्ब के 11 टाइप है, बिकॉज इट गिव्स ओनली वन इंफॉर्मेशन, कोई एक चीज बता रहा है आपके वर्ब के बारे में, या तो टाइम बता रहा है, या तो प्लेस बता रहा है, या तो मैनर बता रहा है, या तो डिग्री बता रहा है, या क्वांटिटी बता रहा है, something about your only